नमस्कार मित्रों, बाबा अमरनाथ की कथा। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप अजर अमर हैं, लेकिन आपको पाने के लिए हर बार जन्म लेना पड़ता है और आपको पति स्वरूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप क्यों करना पड़ता है? आपको प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? आपके अमर होने का रहस्य क्या है? भगवान शिव अमृतत्व के रहस्य को बताने के लिए उन्होंने एकांत और शांतिपूर्ण अमरनाथ गुफा को चुना। उस गुफा में पहुंचने के लिए भगवान शिव ने अपने पंच तत्वों को त्याग दिया। उस गुफा में नंदी कार्तिकेय, गणेश या कोई अन्य पशु पक्षी न आ जाए, इसलिए गुफा के चारों ओर आग जला दी। इसके बाद अमृतत्व की कथा प्रारंभ की। महादेव कथा सुनाने लगे और माता पार्वती कथा सुनते सुनते सो गईं। ये बात भगवान शिव को पता नहीं चली। उस कथा को दो कबूतर सुन रहे थे और वे हुंकार भर रहे थे। भगवान भोलेनाथ को लगा कि माता पार्वती वह कथा सुन रही हैं। जब कथा समाप्त हुई तो भगवान भोलेनाथ ने देखा कि माता पार्वती तो सो रही हैं। फिर उनके मन में प्रश्न उठा कि कथा किसने सुनी। उन्होंने नजर दौड़ाई तो देखा कि वहां दो कबूतर मौजूद हैं। भगवान शिव क्रोधित हो गए तो वे दोनों कबूतर उनके सामने क्षमा प्रार्थना करने लगे। दोनों ने कहा कि हे महादेव, हमने ये कथा सुनी है, यदि आप हमें मार देते हैं तो ये कथा असत्य हो जाएगी, आप हमारा मार्गदर्शन करें। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम आज से यहाँ पर शिव और शक्ति के प्रतीक चिन्ह के रूप में वास करोगे। उसके बाद से कबूतर का जोड़ा अमर हो गया। इस पूरी कथा के कारण उस गुफा को अमरनाथ गुफा कहा जाता है और ये कथा अमर कथा कहलाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज भी कबूतर का जोड़ा वहां दिखाई देता है। जय बाबा बर्फानी। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी मिले, संसार का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो। कोई इस दुनिया में भूखा ना सोए। जय महादेव जी, जय भोले बाबा, हर हर महादेव। मित्रों, ये थी बाबा अमरनाथ की कथा। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मिलते हैं फिर एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।